दोस्तों हम आप ये यूं कह लीजिए, पूरी दुनिया ही पैकेट वाले फूड को बहुत पसंद करती है। पैकेट वाली फूड से मेरा मतलब है कि चॉकलेट्स, चिप्स, कैंडी या बहुत सारी चीजें। हम इन चीजों को बहुत मजे के साथ खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये सभी चीजें आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे हैं? तो चलिए बिना समय गवाए आपको बताते हैं ये आपकी फेवरेट आइटम्स को कैसे तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। नंबर वन, चॉकलेट्स। ये तो आपने बचपन में बहुत खाए होंगे, कई तो अभी भी बच्चों की तरह ही इन चॉकलेट्स को खाते हैं। लेकिन आज हम आपको पहली बार ये दिखाने वाले हैं कि कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चॉकलेट को तैयार किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो चॉकलेट को गर्म करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद एक बड़े से बर्तन में उस चॉकलेट को रखा जाता है। जब एक बार चॉकलेट पेस्ट ठंडा हो जाता है तो फिर एक मशीन की मदद से चॉकलेट को मिक्स किया जाता है। अगर चॉकलेट के ऊपर कोई और कलर डालना है तो एक और चॉकलेट के लेयर को उस चॉकलेट पेस्ट के साथ मिक्स किया जाता है। इस बार मिक्स करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक बार सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, तो उसके बाद इन्हें मशीन के सहारे एक शेप में काट दिया जाता है। ध्यान रहे, अगर सारे प्रोसेस में एक भी गलती हुई तो काम फिर से शुरू करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि चॉकलेट खाने में जितना मजेदार होता है, बनाने में उतना ही मुश्किल। नंबर टू, कुरकुरे कैसे बनते हैं। एक और ऐसी चीज जिसे हम बचपन से ही बहुत खाते आए हैं। हर कोई इसे पसंद करता है क्योंकि इसका स्वाद शानदार है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बता देते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है, कैसे बनती है हमारी फेवरेट इवनिंग स्नैक। सबसे पहले तो कुरकुरे बनाने के लिए आपको बहुत सारे आटे की जरूरत होती है। वही आटा जिससे रोटी को तैयार किया जाता है, उसी आटे से कुरकुरे को भी बनाया जाता है। जब आपने आटे का चयन कर लिया, फिर आटे के साथ कुछ और आइटम्स को मिक्स करते हुए उसे एक बड़ी सी मशीन में रोल किया जाता है। उसके बाद गर्म करने के साथ ही प्लेन कुरकुरे को तैयार किया जाता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, और वो क्या है? जी हाँ दोस्तों, वो है कैसे कुरकुरे को मिक्स किया जाता है मसालों के साथ। कुरकुरे का नाम ही मसालों के लिए जाना जाता है। देखिए कैसे मसालों के साथ इस मशीन के द्वारा कुरकुरे को तैयार किया जा रहा है। वाह जी वाह, मजा आ गया इसे देखकर। जब बनाने का प्रोसेस इतना मजेदार है तो खाने में तो मजा आएगा ही। नंबर थ्री, आइसक्रीम। दोस्तों आइसक्रीम के नाम पे तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। पानी आए भी कैसे ना, ये दिखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, और जितने अच्छे ये दिखने में लगते हैं, खाने में तो उससे भी ज्यादा मजेदार। दोस्तों मजा आ जाता है आइसक्रीम खाकर, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इसको तैयार कैसे किया जाता है। आइसक्रीम के लिए सबसे जरूरी चीज है दूध। दूध भी अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। कई ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जो कि खुद ही गाय पालती हैं और उनका दूध यूज करते हैं। सबसे पहले गाय के दूध को एक कंटेनर में रखा जाता है। उसके बाद उस दूध में शुगर, मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। फिर इसे मशीन के जरिए जमाया जाता है। अगर इस आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करनी है तो ये भी इस तरह से चॉकलेट पेस्ट में मिक्स किया जाता है। अगर दोस्तों इस आइसक्रीम को किसी बॉक्स में रखना है तो वो भी मशीन के सहारे ही किया जाता है। जब आप किसी शॉप में आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वहाँ कई बार हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब बात आती है आइसक्रीम बनाने की, वहाँ कभी भी मशीन के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर फोर, जूस। दोस्तों यकीनन आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि अपने दिन की शुरुआत जूस पीने के साथ करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे तैयार कर रही हैं इन जूसों को? चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जूस बनाने के लिए आपको जरूरत होती है फ्रूट्स की, यानी कि आपको चाहिए बहुत सारे फ्रूट्स। उसके बाद मशीनों के जरिए अच्छे फल और गंदे फलों की पहचान की जाती है। जो फल काम के नहीं होते उन्हें हटा दिया जाता है, जो अच्छे होते हैं उन्हें जूस के लिए रख लिया जाता है। सबसे पहले अच्छे फलों को गर्म पानी से साफ किया जाता है, फिर उनमें से जूस निकालने का काम शुरू किया जाता है। यह स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, तीन स्टेप में जूस निकाला जाता है। एक बार जब फलों में से जूस को निकाल लिया गया है तो फिर उसके बाद जूस में मिक्स करते हैं शुगर। एक बार जब सभी चीजों को मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद डॉक्टरों की टीम उस जूस को चेक करती है, जिसके बाद मशीन की मदद से ही जूस को पैकेट में पैक किया जाता है। तो देखा आपने कैसे जूस को किया जाता है तैयार। नंबर फाइव, ब्रेड को ऐसे करते हैं तैयार। फ्रेंड्स ब्रेड एक ऐसी चीज है जो कि हम और आप दिन में एक बार तो खाते ही हैं, लेकिन इसे तैयार कैसे किया जाता है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे कर रही हैं ब्रेड को तैयार। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ब्रेड को बनाने के लिए आपको चाहिए आटा। दुनिया की कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि किसानों से डायरेक्ट ही गेहूं खरीद लेती हैं। उसके बाद खेत में ही गेहूं को मशीन के सहारे काट लिया जाता है। एक बार जब गेहूं को काटने के बाद पेस्ट के लिए तैयार किया जाता है तो उसमें नमक, सोडा या फिर चीनी भी मिलाया जाता है। अब सभी चीजों को पेस्ट के रूप में तैयार कर लिया जाता है, जिसके बाद बड़े से कंटेनर ओवन में ब्रेड को पकाया जाता है। दोस्तों जब एक बार हो जाती है ब्रेड तैयार, उसके बाद उस ब्रेड को आखिरी पड़ाव के लिए मशीन से ही काटा जाता है। बाद में खूबसूरत पैकिंग के साथ उस ब्रेड को मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों जब भी ब्रेड का निर्माण किया जाता है, उस समय ये ध्यान रखा जाता है कि ब्रेड उतना ही तैयार किया जाए जितने की जरूरत है।
क्योंकि 2-3 दिन से ज्यादा आप किसी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 6, केक मेकिंग। दोस्तों, घर में किसी का बर्थडे हो या फिर गर्लफ्रेंड को खुश करने का मौका, ये केक नहीं देता आपको धोखा, है कि नहीं दोस्तों? लेकिन जब आप देखेंगे कि कैसे तैयार किया जाता है इस केक को, तो आप खुद ही बोलेंगे, भाई खाने में मजेदार, बनाने में शानदार। दोस्तों, केक में सबसे पहले उसके नीचे का ब्रेड तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मशीन है ये, जिसमें चीजों को मिक्स किया जा रहा है। बाद में यही मशीन इस ब्रेड को ओवन में डाल देती है। जब ब्रेड दोनों तरफ से पक जाए, उसके बाद क्रीम वाली मशीन पे इसे रख दिया जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कैसे मशीन के सहारे लगाई जा रही है क्रीम। ब्रेड को क्रीम से ढक दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, यानी कि क्रीम से ब्रेड के ऊपर तैयार करना नया डिजाइन। दोस्तों, डिजाइन तो आप जैसा चाहे तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से, लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर कोई भी छोटी सी गलती हो गई तो लग सकता है हजारों का नुकसान। नंबर 7, कैसे बनाते हैं जैम। फ्रेंड्स, जैम मुझे तो बहुत पसंद है, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद होगा। आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इसे तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले फलों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उन्हें साफ किया जाता है, जो खराब फल होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, जो अच्छे होते हैं उससे तैयार किया जाता है जैम। अच्छे फल से पहले तो निकाला जाता है जूस, फिर उस जूस को फिल्टर किया जाता है, बाद में उस जूस में मिलाया जाता है शुगर और बहुत सारी चीजें। एक बार सारी चीजों को मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद मिक्सचर कंटेनर में डाला जाता है और आखिरी स्टेप में उसे ठंडा किया जाता है, ताकि जैम सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए। कंपनियां हालांकि इसका पूरा ख्याल रखती हैं कि ये जैम गर्मी में कहीं गलती से भी पिघल ना जाए। तो देखा क्या शानदार तरीका है जैम को तैयार करने का। नंबर 8, एक ब्रेकिंग मशीन। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक को कोई अपने हाथों से नहीं फोड़ सकता, इसीलिए तो तैयार की गई है ये सुपर स्मार्ट टेक्नोलॉजी। आपको क्या करना है, बस एक को सिस्टम पे रख देना है, जिसके बाद एक एक करके ये मशीन खुद ही अंडे को तोड़ती जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है इस मशीन की कि ये न सिर्फ अंडों को सफाई के साथ तोड़ती है, बल्कि अंडे के पीले पोर्शन को भी लिक्विड से अलग कर देते हैं, गिल्स ऑनियंस। दोस्तों, विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां लोगों के लिए प्याज काटना बड़ा ही आफत भरा काम होता है, तो ऐसे में वो लोग कटा कटाया प्याज सीधे बाजार से ही खरीदना पसंद करते हैं। खेतों से प्याज को सीधा इस फैक्ट्री में लाने के बाद कारीगर के द्वारा छांट कर उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद मशीन उन प्याज के सिरों को काट कर उन्हें जड़ से मुक्त कर देती है, और उसके बाद मशीन में लगी एक विशेष रॉड के कारण इन प्याज के ऊपर से छिलका उतरता जाता है। और अगर किन्हीं प्याजों से छिलका नहीं उतरता है तो कारीगर जांच करके बचे छिलके को उतार लेते हैं, जिसके बाद ये प्याज पहुंचते हैं मुख्य मशीन के पास, जहां एक कारीगर इन प्याजों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग मशीनों के सांचे में डालता जाता है, जहां ये मशीन उन प्याज को बारीक स्लाइड्स में काटती जाती हैं, जिन्हें छोटे छोटे बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, सिर्फ सलाद के लिए मशीन प्याज नहीं काटती, बल्कि तड़के के लिए बारीक कटे प्याज को भी इस फैक्ट्री में अन्य मशीन के माध्यम से तैयार किया जाता है और पैकेट्स में पैक करके बाजार में बेचा जाता है। मैजिक पिज्जा। दोस्तों, पिज्जा कई लोग बहुत पसंद करते हैं और काफी देशों में लोग स्नैक्स नहीं बल्कि सामान्य भोजन के रूप में ही पिज्जा खाना पसंद करते हैं, और यहाँ इस मशीन में आटे का गोल तैयार कर लेने के बाद ये मशीन उसे बड़े ही शानदार तरीके से फैलाकर गोल आकार देने का काम करती है। इसके बाद कारीगर इन्हें उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर आकार के हिसाब से रख देते हैं। इसके बाद इस मशीन का अगला भाग आता है, जहाँ मशीन लाल सॉस को इस पर डालती है और उसके आगे लगे सांचे उसे एक बराबर मात्रा में इस पर फैला देते हैं। इसके बाद कारीगर अलग अलग प्रकार के टॉपिंग्स को इसके ऊपर बिछाते जाते हैं, जिन्हें बाद में पैक करके बिकने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। ESO रोटी मेकर। दोस्तों, ये रोटी मेकर फुली ऑटोमेटिक है, जो कि बिजली पर चलती है, और ये आटा भी गूंथ सकती है, और गुथे हुए आटे से हर एक रोटी के लिए उसे गोलाकार काट भी सकती है। इस गोल कटे आटे को ज्यादा व्यास वाले रोलर से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर आटे पे खुश्की लगती है और उनका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है, और इसके बाद उन सभी गोलों को उस सेक्शन से जाना पड़ता है जहां पर इनका आकार गोल से समतल या रोटी जैसा बन जाए, और इस ऑटोमेटिक तरीके से बेली गई रोटियों को कन्वेयर बेल्ट बड़े और हाई पावर ओवन के अंदर पहुंचाती है, जिसके बाद ये अच्छी तरह से पक भी जाती है। फैट बॉय आइसक्रीम। दोस्तों, आइसक्रीम बनाने का काम आसान नहीं है, और ये मुश्किल तब और ज्यादा हो जाती है जब कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम मेकिंग प्रोसेसिंग कैसे होती है। फ्रीजर से जमी हुई क्रीम स्क्वायर शेप में करते हुए असेंबली लाइन पर आकर अपनी जगह ले लेती है, और फिर आगे जाकर आइसक्रीम के टॉप और बॉटम पर चॉकलेट बिस्किट्स लगाए जाते हैं, और ये असेंबली लाइन मशीन एक घंटे में कम से कम 5000 फैट बॉय आइसक्रीम रेडी कर सकती है, फिर जिन्हें लास्ट में पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बॉक्स कैंडी मेकर। दोस्तों, बच्चों के मनपसंदीदा खाने की चीजों में से एक होती है कैंडी, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले शुगर सीरम को गर्म करके उसमें फ्लेवर मिक्स किया जाता है।
और इसके बाद हुक में लटकाकर इसे खींचना शुरू किया जाता है ताकि सारे एयर बबल खत्म हो जाएं, और इसी मटेरियल से बने कई लेयर्स की मदद से एक फॉक्स का डिजाइन तैयार किया जाता है। और ठीक इसी तरह छोटे और पतले कैंडी रोल्स भी बनाए जाते हैं जिन्हें काटकर बाद में छोटे कैंडी का रूप दे दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा।